हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरटेल 20 रुपीस रिचार्ज टॉक टाइम इज नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपका, अगर 20 रुपीस का रिचार्ज जो है एयरटेल में वर्क नहीं करना है, और यहाँ पे कौन सा वाला रिचार्ज करना है आपको जिससे आपका 20 रुपीस वाला रिचार्ज वर्क करने लगे। तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जीमेल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके नंबर का कॉलम लिखना है, और उसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है जो नंबर पे आपका रिचार्ज वर्क नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट कॉलम रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको भी सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय एयरटेल 20 रुपीस रिचार्ज टॉक टाइम इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इतना आपको रिक्वेस्ट के कॉलम में लिख देना है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। और ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ हम उसी से रिलेटेड लिख देंगे रिचार्ज टॉक टाइम नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको एयरटेल की जीमेल आईडी डाल देना है। एयरटेल की जीमेल आईडी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है जीमेल आईडी, आपको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ईमेल आईडी है एयरटेल की, आपको यहाँ पे देख सकते हो 1to1@in.airtel.com। ये ईमेल आईडी पे आपको अपना ईमेल को सेंड करना है। ईमेल आईडी कॉपी करने के बाद आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक कर लेना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लू कलर का जो एरो आइकॉन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करके आपको अपना ईमेल सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद कुछ देर के बाद रिप्लाई आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और 48 आवर्स के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ गलती करते हैं। यहाँ पे आप रिचार्ज के वक्त गलती करते हैं। आप 20 रुपीस का रिचार्ज तो करवा लेते हैं, लेकिन इस पे 99 वाला रिचार्ज नहीं होता है जो स्मार्ट रिचार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 99 का जो रिचार्ज होता है ये आपको कराना कंपलसरी है। अगर ये रिचार्ज आप नहीं कराओगे और वो वाला रिचार्ज करा लेते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका रिचार्ज वर्क नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 99 का रिचार्ज है, इसमें टॉक टाइम है और 28 डेज़ की वैलिडिटी है और 200 MB डेटा भी है। तो ये रिचार्ज आपको कराना कंपलसरी है अगर आपको अपना मोबाइल मतलब सिम आपका चालू रखना है, कॉल वगैरह करना है, तो आपको कंपलसरी 100 रुपीज़ वाला मतलब 99 वाला रिचार्ज कराना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको। सबसे पहले जीमेल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके बाद आपको 99 वाला रिचार्ज करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, और आपका 20 रुपीज़ वाला रिचार्ज अब वर्क कर रहा है कि नहीं 99 का रिचार्ज करने के बाद। ओके, बाय।